आप सफीदों के खानसर चौक से आप देख रहे हैं कैथल से जो काफिला जो रवाना हुआ किसान नेता का गुरनाम सिंह चढ़ूनी का भी वो खानसर चौक पर पहुंचे हैं। स्वागत किसानों के द्वारा उनका किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें आप सभी से अपील कि खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तस्वीरें हम लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सभी लोगों से अपील देख सकते सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी आगे बढ़ो। इकबाल सिंह ने मिले और ये देखिए जो भी अपना प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। साफ है और अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है नीचे आ रहे हैं और नीचे आने के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी और गुरनाम सिंह चढ़ूनी सारे आगे जिस प्रकार 9 महीने से किसान जो है बॉर्डर के ऊपर रुका हुआ है क्या कुछ करना चाहेंगे सर? देखिए आज पिछले 8 महीनों से ज़्यादा हो गए हैं किसान दिल्ली की सड़कों पे बैठा हुआ है। 600 से ज़्यादा किसान वहाँ पे शहीदियाँ प्राप्त कर चुके हैं। 2 डिग्री टेम्परेचर पे भी बैठे, 45 डिग्री टेम्परेचर पे भी बैठे, तूफान में और बारिश में भी बैठे, लेकिन हठधर्मी सरकार ने अभी तक किसानों की बात नहीं सुनी है और किसानों ने इरादा कर लिया है कि जब तक हम जीतेंगे नहीं हम घर को वापस नहीं लौटेंगे। और अब हम लगातार सरकार को चेताने के लिए हर हफ्ते 10 दिन में एक जत्था लेके आते हैं। आज हमारा 8वां जत्था है हमारे ग्रुप की तरफ से दिल्ली कुछ कर रहे हैं। आज कैथल जिले का जत्था है, ये हजारों गाड़ियां हैं और जो कैथल जिले के भाई हैं जो टीम है पूरी टीम ने बड़ा तन मन धन से काम किया। पूरे हरियाणा के हमारे कार्यकर्ता इस आंदोलन में आज सबसे अग्रणी स्टेट हरियाणा है। इस आंदोलन में पूरे कार्यकर्ता तन मन धन से लगे हैं। तो जब तक हम ये आंदोलन जीतेंगे नहीं तब तक हम इस आंदोलन को लड़ते रहेंगे सड़कों पे विरोध प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के नेताओं का या और जो जो भी प्रोग्राम बीच में आएंगे वो लगातार हम। आज की क्या रणनीति रहने वाली है जी? आज एक जो काफला है हम कैथल से लेके और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर तक जा रहे हैं सरकार को चेताने के लिए कि सरकार देख ले कि हम हमारा किसान अभी सोया नहीं है। एक एक जिले से हजारों गाड़ियां निकल के दिल्ली कूच करती हैं और लोगों में भी एक तरह से जागृति बनी रहे। ये 2 कामों के लिए लगातार जो है ये काफिले हम इस तरह से लेके पिछले समय से आने वाली है कामना यात्रा की सरकार जो संभावना जता रही है कहाँ देखते हो इसको? जिस जो जो बीजेपी के लोग हैं या आरएसएस के लोग हैं, आरएसएस ने 60 साल तक अपने दफ्तर के ऊपर तिरंगा नहीं लगाया।
60 साल तक ये तिरंगे का सम्मान करते हैं, आज ये तिरंगे का बहाना लेके गांवों में घुस रहे हैं, तिरंगे का बहाना लेके सड़कों पर निकल रहे हैं। वरना लोगों ने इनकी नाक में दम कर दिया, इनको बता दिया, और ये अब तिरंगे का बहाना ले रहे हैं। और इन लोगों ने जो आज तिरंगे का बहाना ले रहे हैं, इनका देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है। आरएसएस का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा है, और आज ये तिरंगे को बहाना लेके तिरंगे में के बहाने से गांवों में घुस रहे हैं। कह रहे हैं कि भी जो तिरंगा यात्रा होगी उसके अंदर ट्रैक्टरों को शामिल किया जाएगा, किसान भी वहां पर पहुंचेंगे, क्या कहेंगे आप? मैं ये कह रहा हूं कि ये तो तिरंगे से भी धोखा कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपने दफ्तर पे तिरंगा नहीं लगाया, जिन लोगों ने देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं दिया, वो तिरंगे के ठेकेदार हो गए हैं। तिरंगा तो हम जानते हैं तिरंगे की कीमत, जिनके बेटों की लाशें लिपट के आती हैं तिरंगों में सीमा से। और हम इनको 15 अगस्त को ये भी दिखाएंगे कि तिरंगा यात्रा कैसे निकलती है। हम कुरुक्षेत्र से लेके और पूरा जो जीटी रोड बेल्ट है अंबाड़े से लेके दिल्ली तक की, उस पर तिरंगा यात्रा हम निकालेंगे मोटरसाइकिलों पे, और हम इनको बताएंगे तिरंगे का सम्मान कैसे। सरकार क्यों नहीं मान रही? जिंदाबाद जिंदाबाद किसान मजदूर जिंदाबाद। ये इसलिए नहीं मान रहे कि ये जो पूंजीपति हैं उनके दलाल हैं, उनसे पैसे लेके इन्होंने ये कानून बनाए हैं। एग्रो बिजनेस जो 15 लाख करोड़ का है, वो एग्रो बिजनेस कारपोरेट को देने के लिए इन्होंने ये कानून बनाए हैं, जिससे देश में अन्न पैदा करने वाला, भोजन पैदा करने वाला भी मरेगा, कम से कम उसको रेट मिलेगा, और जो खाने वाला है उसको महंगे से महंगे रेट पे खरीदना पड़ेगा। आपके सामने उदाहरण है आज सेब का, 25 रुपए किलो में इन्होंने सेब खरीदा, छोटे सब ठेकेदारों को भगा दिया, 25 रुपए में सेब खरीदा, और आज 250 रुपए किलो में सेब मिल रहा है। जड़ूबल साहब, एक अहम सवाल है कि जैसे अफवाहें फैली हुई है कि अब की बार भी जो है 15 अगस्त पे जो है किसान झंडा लहराने वाले हैं, क्या ये सच है? नहीं, किसान तो हर साल 15 अगस्त पे झंडा लहराते हैं। नहीं, जैसे गणतंत्र दिवस पे हुआ, क्या ऐसा ही अब की बार भी होगा? नहीं, ये तो अफवाहें कहेंगे ना सर? बिल्कुल अफवाहें हैं। और सर गांव ये जो लोग हैं, इन लोगों ने राज ही अफवाहों पे किया है। बीजेपी के पास और कुछ नहीं है, कहीं जाति के नाम पे लड़वाए, कहीं धर्म के नाम पे लड़वाए, कहीं अफवाहें उड़ाई। इन्होंने तो वहाँ बैठे किसानों को कह दिए किसान है ही नहीं, फिर जो 600 मर गए वो किनके क्या लगते थे? जी। ट्यूबवेल कनेक्शन का भी पीछे प्रक्रिया चली थी, काफी जो किसान उनको मिले भी नहीं, उनके पैसे भी बुरवाए गए, क्या कहेंगे किसान ने पैसे? देखिए, उसमें इन्होंने 15 अगस्त तक का इन्होंने टाइम मांगा था कि हम 8800 कनेक्शन दे देंगे, वो भी पता नहीं किया कितने दिए हैं, कितने वो कहा नहीं। गुणी प्रकाश ठाकुर, गुरुनाम सिंह, अरे यार कोई आदमी की बात कर लीजिए यार, कोई आदमी की बात कर लीजिए, कोई और सवाल याद हो तो बताइए सर, क्या कहेंगे? गांव से आज कावड़ जा रही है, गांव की मिट्टी जा रही है। देखिए, एक लहर है लोगों के अंदर, जो हमारे बच्चे कांवड़ लेने हरिद्वार जाया करते थे जी, वो आज अपने गांव की मिट्टी और अपने गांव का पानी लेके आज जो धरनों पे तीर्थ स्थान है, जहां पे 600 देशभक्त शहीद हो चुके हैं, उन तीर्थ स्थानों पे जो है ये कांवड़ लेके जा रहे हैं, अपने गांव की, अपने खेत की मिट्टी और अपने गांव का पानी लेके लगातार कांवड़ पे जो है वो धरनों पे जा रहे हैं, दिल्ली के धरनों पे जा रहे हैं। वो सबसे बड़ा आज के टाइम में वो तीर्थ स्थान है, जहाँ पे देश भक्त बैठे हैं, देश को बचाने के लिए बैठे हैं, और जो देश विरोधी पार्टी है वो देश को बेचने की जिद पे अड़ी हुई है, और इन देशभक्तों में 600 देशभक्त अभी तक शहीद हो चुके हैं। मीडिया के माध्यम से किसान भाइयों और सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी सवाल? मीडिया के माध्यम से सरकार को जो कहना चाहेंगे कि अगर थोड़ी बहुत शर्म अभी भी बची है, अगर वैसे तो इनमें बची नहीं है, इनकी आत्मा मर गई है, पहले आत्मा जिंदी रहती थी, शरीर मर जाता था, लेकिन बीजेपी वालों के शरीर जिंदा हैं, आत्मा मर चुकी है, लेकिन फिर भी अगर कोई उनमें देश के खून का कतरा बाकी है, तो इस देश को बचाने के लिए उनको ये काले कानून जो देश को बेचने के लिए बनाए गए हैं, जो गरीबों को मारने के लिए बनाए गए हैं, ये तुरंत वापस ले लेने चाहिए, और अगर
सरकार ये नहीं मानती है तो जो बीजेपी के, मैं ये कहूंगा कि जो फ्री में तलवे चाट रहे हैं उनको बीजेपी को छोड़ के आ जाना चाहिए। सर मनोहर लाल खट्टर को अभी धमकी मिली है, अरे कहीं नहीं धमकी मिली उसको, कुछ नहीं है, ड्रामे है सारे, मिली भगत करके करवाते हैं सारे सारे मिली भगत करके करवाते हैं ध्यान भटकाने के लिए। अभी गुरनाम सिंह चुनूनी तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो हम आपको सफीदो खानसर चौक से हम आपको दिखा रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी यहाँ पर पहुंचे थे कैथल से रवाना शिंगू बॉर्डर के लिए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि सफीदों के अंदर जोरदार स्वागत उनका आज किसानों के द्वारा किया गया। तस्वीरें लगातार सफीदों के खानसर चौक से हम आपको दिखा रहे हैं। आप सभी लोगों से अपील, आपसे सभी अपील की खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। लगातार तस्वीरें खानसर चौक से हम आपको दिखा रहे हैं। आजाद पानवा जी इन्हों का भी धन्यवाद है, जिसे भी सारी जगह का धन्यवाद। आदरणीय गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी कैथल जिले के सभी सम्मानित किसान मजदूर साथियों, मैं चेंद की धरती पर और सफेदों हल्के की तरफ से श्री गुरनाम सिंह जी का और कैथल जिला से आए हुए सभी किसान मजदूर का हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। साथियों आज ये यात्रा गुरनाम सिंह की अगुवाई में कैथल से चलकर दिल्ली सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेगी, इसलिए आज ये सफेदों पहुंची है, इसलिए यहाँ सफेदों की धरती पर पहुंचने पर जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं गुरनाम सिंह जीओं का और उसकी पूरी टीम और कैथल जिले के सभी किसान मजदूरों का एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद साथियों। जिला जींद के प्रधान का आजाद पानवा जी का स्वागत करने में आप देख सकते हैं कि सफीदों से हम आपको लगातार इकबाल इधर से आओ थोड़ा सा, और गुरनाम सिंह जी को कहना चाहेंगे आप इसी तरह आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और जो ये किसान मजदूर का हजूम है ये बस से भाई क्या कहेंगे आज जो गुरनाम सिंह चढ़ोनी यहाँ पर पहुंचे, जो नवारा थोड़ा बताएं। आज बहुत खुशी का दिन है, जो इतने महान किसान नेता जो गांव-गांव से उठाकर लोगों को सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना करते हैं। आज सरदार गुरनाम सिंह चढ़ोनी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी जी कैथल से अपना जत्था लेकर वाया असंध होते हुए सफीदों के भी तीन पॉइंट थे, पहले रोड गांव में रुके, फिर पाजू में रुके, अब खानसर मोड़ पर इनका फल फूलों से स्वागत किया, उन्होंने हमारे यहाँ जो हल्का वासियों को संबोधित किया है, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं हल्का सफेदों की तरफ से। सोनाली फोगाट लगातार बयानबाजी करके किसानों को कहाँ देखते हैं, कहाँ सही बात है? वो तो उसका तो किरदार ही नहीं है कोई, वो तो ना तो उसको किसानी का पता है, उसको तो टिकटॉक का पता है, सोशल मीडिया के वो अपनी TRP लेना चाहती है और कुछ नहीं, उसको ठुमके चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसको। नहीं वो सोनाली फोगाट कहती है कि भाई जो बॉर्डर है सिंघू बॉर्डर पर जो किसान जो बैठे हुए हैं वो असली किसान नहीं है, बीजेपी की यात्रा जो शुरू होगी ना उसके अंदर असली किसान आएंगे, क्या कहेंगे उसको? आज आप भी तो गांव-गांव हल्के में घूमते हो, वो आपको किसान नहीं दिख रहे ये जो आज गुरनाम सिंह चढ़ोनी, एक मिनट बता रहा हूँ उसी के हिसाब से बताऊंगा, चढ़ोनी साहब के साथ जो किसान थे वो असली किसान है, जो बीजेपी वाले हैं वो तो दिहाड़ी
इकट्ठे करके धक्के से 20-20 आदमी एक एक बंदे को लेके आते हैं, वो भी चाहे दिहाड़िए पे लगा लो, वो किसान नहीं है, वो किसानों का ढोंग करते हैं। तो असली किसान तो सिंह को बॉर्डर पर है या अपने खेतों में काम करता है। क्या लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं मान पा रही है, कारण कहां है? अब तो समय भी काफी हो चुका है, प्रोग्राम का भी विरोध काफी। ये तो देखो बड़े बड़े लंबे संघर्ष चलते हैं, भगत सिंह वर्गिया ने किन्ने किन्ने साल संघर्ष किए ने, अज 8 महीने हुए ने, 8 महीने में किसान बिल्कुल कोई तंग नहीं है, घर पे भी सारा काम चल रहा है, वहाँ बॉर्डरों पर भी सही काम चल रहा है। ये देखो कितना जोश है आपके सफेदों में भी, तो आप देख ही रहे हो। क्या कहेंगे सरकार से, क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार, उम्मीद तो हम कुछ नहीं रखते। प्रधान जी ने बोला है बेशर्म सरकार है, थोड़ी बहुत ही शर्म आती हो तो किसानों की तरफ देख ले, तो किसान भी अपना वहाँ से ढोल बजाते आए खुशी खुशी। 3 काले कानून जो लाई है सरकार उसको रद्द करे और MSP पे गारंटेड कानून हमारे किसानों को दे। अच्छा स्वागत यहाँ पर हुआ, नाम सिंह खडूनी का क्या कहेंगे? बिल्कुल अच्छा स्वागत हुआ है यहाँ पे, उनका पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन भी है। यहाँ पे कई गांवों के 3 पॉइंट थे आपको पहले ही बता चुके हैं, और हमारे जिला अध्यक्ष आजाद पालवा भी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनका भी बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत है जी। सर क्या कहेंगे आज गुरनाम सिंह जीयों की अगुवाई में कैथल जिले से 1000 की संख्या में हमारे किसान मजदूरों का जत्था दिल्ली इस किसान आंदोलन की मजबूती के लिए सिंगू बॉर्डर के लिए निकला है। तो यह सफेदों की धरती पर आने पर हमने हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया, और गुरनाम सिंह जीयों से कहना चाहेंगे कि गुरनाम सिंह जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इसी प्रकार से ये आंदोलन आगे बढ़ता रहेगा और जब लगे आंदोलन चलता रहेगा, जब लगे 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते। समय लंबा होता जा रहा है, क्या लग रहा है कि कारण कहां नजर आ रहा है? कारण तो ये सरकार की अठधर्मी है, तानाशाही है, सरकार की गलतफहमी है कि हम इस आंदोलन को तोड़ लेंगे। जाति पाति का जाहिर फैलाकर इस आंदोलन को तहस नहस कर देंगे, लेकिन किसान मजदूर जाग चुका है, देश की जनता जाग चुकी है। अब ये आंदोलन टूटने वाला नहीं किसी कीमत पे, जब लग आंदोलन चलता रहेगा, जब लग ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते और MSP पर हमें गारंटी नहीं मिलती। बीजेपी की एक तिरंगा यात्रा शुरू हो चुकी है, पहल से शुरू हुई थी, ट्रैक्टरों को भी शामिल किया है, क्या देखा? हम वो तो बीजेपी ने तो कभी तिरंगा का सम्मान नहीं किया, उन्होंने देखो आजादी के बाद भी उन्होंने कभी अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लगाया। तो हम यही कहना चाहेंगे बीजेपी तो सिर्फ जात पात का एक जहर घोलने के लिए, और किसानों का जो इन पर प्रेशर बनना था इनको गांव गांव में नहीं घुसने दे रहे थे, एक तिरंगे की आड़ में ये गांव में जाने का इन्होंने रास्ता ढूंढा। लेकिन हमारी संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला किया कि हम तिरंगे का सम्मान करते हैं, तिरंगा हमारी देश की शान है, इसलिए हम विरोध नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने एक रास्ता ढूंढा है। तो हमने भी 15 अगस्त को तिरंगे के मान सम्मान के लिए हमारी संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि हर एक जिले लेवल पर, हर एक ब्लॉक लेवल पर और तहसील लेवल पर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें किसानों के बड़द बुग्गी ट्रैक्टर रेडी फोर व्हीलर झोटा बुग्गी बड़द बुग्गी सब कुछ उसमें शामिल होगा, और तिरंगा ही तिरंगा अपने दिखाई देगा, क्योंकि तिरंगा हमारे लिए सर्वप्रिय है और तिरंगा का मान सम्मान का किसान को पता है, क्योंकि किसान का बेटा सीमा पर रक्षा करता है और जब वहां पर शहीद हो जाता है वो तिरंगे में लिपट के आता है, तो किसान को पता है इस तिरंगे का मान सम्मान का। बीजेपी क्या जाने तिरंगे के मान सम्मान, सोनाली फोगाट लगातार बयानबाजी कर रही है, क्या कहेंगे? हम सोनाली फोगाट को तो ये कहेंगे कि एक महिला होने के नाते उसने अपने जबान को संयम देना चाहिए, लगाम देनी चाहिए और मर्यादा में बोलना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को किसान की बेटी कहलाती है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा किसान की बेटी इस प्रकार की भाषा किसान के लिए प्रयोग नहीं कर सकती, वो किसान की बेटी नहीं। अगर किसान की बेटी असल में सोना फोगाट होती तो ये संयम से और मर्यादा में और किसान का समर्थन करती। साहब एक बनाया हेलो गगड़ी थे इतना जो
कार्यक्रम ना सत अठ महीने पहला आ कार्यक्रम है इनू डब्बी आने तिलां जल गई है ना हुण इहदा तुहानूं मैं इसे गलती गल दसनी करनी एक प्रधानमंत्री मोदी ए आ जिहड़ा है प्रधानमंत्री मोदी ए आड़ी तील ए तील बनदी कहंदी ए उहदे वास्ते तुहानूं शेर सुनाणा है आंदा है कोशिश कीतिआं मुक जांदी ए कोशिश कीतिआं मुक जांदी ए काली कोजी भुख कौन किसे नूं देंदा ई वीरक साहब रोज उधारे सुख इस तो वड्डा दुनिया उत्ते होर की होवेदा दुख ओ रुख बनावण तिलियां ते आ तिली साड़े रुख आड़ियां तिलियां बनदियां ने रुख नाल बनदियां ने रुख हुंदा है तां तिलियां बनदियां ने नहीं तो उंज तिलियां नहीं बनदियां ते इह तिलियां ही रुख साड़दियां ने इह जिहड़ी हिंदुस्तान दी जनता है इहने ही वोट दे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं प्रधानमंत्री बनाया है अज उहनूं प्रधानमंत्री बना के उह डब्बी बन गया है ते सानूं ही साड़दा पिया है जिहड़ा प्रधानमंत्री मोदी है ਉਹ ਤਿਲਾਂ ਡੱਬੀ ਬਣ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਲੋ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਰੁੱਖ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਲੀ ਜਿਹਨੇ ਹਾਂ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਲਾਭਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਰਾ ਪਣ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਹਰੇਪਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੰਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।